गुजरात का डेटा इज आउट, सीधे सीधे डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 128 बीजेपी, आप कांग्रेस 45, आम आदमी पार्टी 4, ये एग्जिट पोल है, ये हो सकता है, सैंपल साइज 9100, 50-50 लोगों से 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूछा गया, अदर्स 5, ये है गुजरात का एक एनालिसिस, एक क्विकली वोट शेयर भी आपको दिखा दें, उसके बाद सीधे चलते और मेहमानों के पास। वोट शेयर जो है इस डेटा के पीछे जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग शेयर है, बीजेपी 47% डाउन 2%, कांग्रेस 35% बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 12% डाउन, आम आदमी पार्टी 12% जो कि एकदम से सरप्राइजिंग फैक्टर है, अदर्स 6% अप 1.7%। अब सीधे चलते हमारे मेहमानों के पास, वारिस पठान AIMIM से, अजय उपाध्याय कांग्रेस से, और KK शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। अब तो मैं चलना चाहूंगा अजय उपाध्याय जी के पास, आपका रिएक्शन। गौतम जी, अच्छी बात है, आपने जो भी दिखाया है, आपके इस दिखाने पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। सैंपल डाटा का भी जो आपने आंकड़ा दिया है, प्रत्येक विधानसभा में 50 लोगों का आपने ये डाटा इकट्ठा किया है, आप भी जानते हैं कि 2.25 लाख कम से कम वोटर एक विधानसभा में एवरेज है, और जितने मतदान केंद्र है उसके अनुपात में 50 क्या आप समझ रहे हैं, कई गुना कम है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, आपका अपना ये एनालिसिस है और आपके एनालिसिस पर मैं कौन होता हूं प्रश्न करने वाला। अरे सैया जो फरमाए वही मन जो है भरमाए, जैसा आपकी इच्छा वैसे सारे डाटा आते हैं आजकल देश में, लेकिन ये मानता है, कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो सैंपल साइज होता है और जो ये डाटा जो एग्जिट पोल का है उसके अपने तरीके हैं, और जो जनता के सैंपल साइज है और जनता के सोचने के तरीके हैं, दोनों में फर्क है। 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, जस्ट रिजल्ट इसके विपरीत होगा। जिस तरह गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में मैं खुद 1.5 महीना रह के जनता के बीच रहा, और जनता के बीच में ये पाया है कि वहां के स्थानीय मुद्दे क्या थे। अजय उपाध्याय जी, जो आप कह रहे हैं वो हम इसको सेव रखेंगे, आज जो आपने कहा 8 तारीख को नतीजे आप कह रहे हैं इससे अलग और चौंकाने वाले होंगे, हम आपको दिखाएंगे उस दिन। और सैया भरमाए जो आपने कहा, ये तार बिजली से पतले हमारे पिया दिखाई दे रहा है इस बार अभी एग्जिट पोल में, ये क्यों है ये हम आपसे जानेंगे।